पाकिस्तान में महंगाई की जा रही है। बेटी हमारा खून चूस रहे हैं, ठीक है। वो जो मरियम नवाज बैठी हुई है ना, उसका जो नकली शक्ल है उससे लेके उसके ओरिजिनल जिमी चूस है, सारे हमारे पैसों के। पता नहीं ये सो कैसे जाते हैं, आप मुझे बताएं। आपको लगता है इतना पैसा, मैं अभी वीडियो देख के आई हूँ, झूठी कस्में कैसे अल्लाह की कस्में खाते हैं, इनको डर नहीं लगता कयामत से? हर चीज पेट्रोल, वो पेट्रोल, आटा, चीनी, फजल रहमान, सब की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अगर सस्ती हो रही है तो सिर्फ हम इंसानों की जाने सस्ती हो रही है। एक इंसान है जिसको फर्क पड़ता है, हमारा कप्तान है, उसको फर्क पड़ता है, उसको हमारी जानों की कदर है। उसके अलावा हमारी कदर किसके लिए? उसके लिए हम आए हैं बस। मरियम नवाज साहिबा तो आई थी कि पाकिस्तान में महंगाई कम करेंगी, लेकिन ये महंगाई तो बढ़ती जा रही है। वो कुछ नहीं करने वाली, वो ना बस बैठ के इस तरह हाथ ही हिला सकती है। वो बिलावल की तरह की खुसरी है, वो उससे कुछ नहीं होने, वो आगे ना बस झूठी कस्में खाएगी। और वो कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान के लिए। वो आए हैं, वो बैठ के खाते रहेंगे, वो बस वो आए हैं, वो बैठे ही हैं, वो खाते जाएंगे और बस हमारा खून चूसते, जो इन्होंने इमरान खान के आने से पहले 30 साल पहले किया, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई जान। मुझे बताइएगा, जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई कर दी गई है, ये तो आए थे महंगाई को कम करने के लिए, लेकिन महंगाई हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इन चोरों, इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करता हूँ। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, ये लोग इतने करप्ट हैं, 30 साल पहले इन्होंने हुकूमत संभाली थी और इन लोगों ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे चढ़ाए हैं, ये रोज़ आके बयानियाँ देते हैं जी हम तजर्बाकार हैं, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। इनसे बड़ा चोर, डाकू, खबीस इंसान कोई नहीं है। क्या इस तरह के वज़ीर आज़म होते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच के आप लोगों को आटा पूरा करूँगा? और मेरी बात सुनो, तुम वज़ीर आज़म हो, तुम कोई प्लान बताओ, तुम्हारे पास प्लान ही कोई नहीं है। तुम लोग, तुम्हारी जो पूरी टीम है वो नलायक है। मिफ्ता इस्माइल रोज़ आता था, मैं ऐसे कर दूँगा, पेट्रोल 1 रुपये नहीं बढ़ाऊँगा, अभी तो 60 रुपये बढ़ गया। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, घी महंगा हो गया। मुझे बताया इनके अंदर क्या इंसानियत है? क्या ये इन्होंने गरीब आवाम को जीने के लिए हक छोड़ा? इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल ठीक है कि ये चोर है, ये डाकू है, इम्पोर्टेड हुकूमत है। अगर ये पाकिस्तानी होते तो ये पाकिस्तानी आवाम का दर्द समझते। वो जो इनका पकौड़ा वजीर आजम वहाँ पे बाहर झूठा बैठा हुआ है, ये कहते मैं अपने कपड़े बेचूंगा। और भाई एवर फीड के वो अपार्टमेंट बेच, तेरी जो भतीजी है मरियम नवाज, झूठी खातून, झूठी थी, झूठी यार, झूठी रहेगी। उस नानी 420 के शक्ल तो देखें, ये हमारे पैसों से जाके सर्जरी करवाती रही है। इसको शर्म आनी चाहिए, इसको ये नहीं पता कि भी मेरे भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पे लाएगी? कभी भी नहीं लाएगी। मुझे बताएं, वो आटा, घी, चीनी वो मुफ्त में खाते हैं, हमारे पैसों से ये लोग अयाशी कर रहे हैं। ये हमारे जनरल, हमारे जनरल्स, हमारी अदलिया, इन लोगों को सोचना चाहिए वो कौन था। सब आवाम को पता कि वो कौन था, मुझे भी पता है वो कौन था। क्या पाकिस्तान की आवाम की ये इज्जत है? पाकिस्तान पूरी वो कौन के पीछे खड़ी थी, लेकिन वो कौन ने बताया कि मैं कौन नहीं हूँ, मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाला हूँ? इम्पोर्टेड हुकूमत को वो लाए हैं, किसके कहने में लाए हैं? वजीर आजम तो इमरान खान साहब थे। किसने वहाँ पे जो है वो कैदियों वाली जो बस बेची, किसने वहाँ पे जो है इनकी ऊपर स्टॉप लिस्ट में नाम डलवाए, किसने इमरान खान को जो है ना वहाँ से निकलवाया, किसने अजम एतमाद कामयाब करवाई? इनके अंदर इतनी गैरत थी, जरदारी के अंदर, नवाज शरीफ के अंदर, शहबाज शरीफ के अंदर, हमजा, इनके अंदर इतनी गैरत थी कि ये पाकिस्तानी आवाम का सामना करते। अगर ये अब भी पाकिस्तानी आवाम को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते तो सुबह ही अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाए और बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं। और भाई खुदा का वास्ता, ये तजर्बाकार नहीं है, ये अगर तजर्बाकार है तो अपनी करप्शन में है। ये झूठे लोग हैं, इनके मॉडल टाउन में जाके देखे, वहां पे 150 पुलिस वाला है, वो इनको गालियां निकालते हैं। मैंने खुद अपने कानों से देखा है, सुना है। वो कहते हैं कि ये हमें यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है, ये चोर डाकू हमारे में मुसल्लत है। मेरे दो मोहल्लेदार हैं पुलिस वाले, उन्होंने कहा है कि भाईजान हम लोग यहाँ पे बैरियर ऊपर नीचे करके थक जाते हैं, मरियम के चक्कर ही खत्म होते। ये मरियम मीडिया में क्या कर रही है? तुर्की का दौरा किया वजीर आजम ने, मुझे बताया इमरान खान साहब ने कितने दौरे किए हैं? बेतहाशा दौरे किए, एक भी इश्तहार देखा अपने मीडिया में? 50 करोड़ में उन्होंने मीडिया में जो है वो उनके मुंह में घुसेड़ दिया हड्डी की तरह। मीडिया क्यों नहीं बकवास करता? मीडिया जो है वो बकाऊ माल है। मीडिया का सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी का मीडिया हूँ, मैं इम्पोर्टेड हुकूमत का मीडिया नहीं हूँ। जियो हो गया, दुनिया न्यूज हो गया, हम लोग इन
को बड़े शौक से देखते थे, इन्होंने एयरवाई हमारे इलाके वॉल्टन कैंची में बंद करवा दिया। ओ खुदा का खौफ करो, तुम लोग केबल पे तो एयरवाई को बंद करा सकते हो, हमारे दिलों में से नहीं निकाल सकते, तुम हमारे दिलों में से एयरवाई को नहीं निकाल सकते। वो हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप इनको कबूल मंजूर करेंगे? यह तो कहते थे हम ऐसे करेंगे, दाल महंगी नहीं करेंगे, आटा महंगा नहीं करेंगे। इन्होंने महंगाई जो टल्टी स्टोर के ऊपर जो दिया है, एक और बहुत बड़ा अच्छा बयानी है, ये कहते थे कि अलीम खान चोर है, जहांगीर खान चोर है, ये इमरान खान की एटीएम है। आप मुझे बताएं कि आप किसकी एटीएम है? इन्होंने उनको गिरफ्तारों को भी जो है ना वो लोटे वॉशरूम में होते हैं ना एक, इन्होंने वहां पे खड्डों में फेंक दिया। जो बंदा आ रहा है वो पत्थर की तरह उनको ठुड्डे मार रहे हैं। इन्होंने उनके साथ किए हुए वादे भी उनको मुकर गए कि सीटें देंगे, ये करेंगे, टिकट भी नहीं दे रहे। और लोटो खुदा का वास्ता, तुमने पाकिस्तान बेचा है, तुम लोगों के अंदर अगर शर्म थी तो खान के साथ कभी ना छोड़ दे। मैं इमरान साहब के दौर में जब महंगाई हुई ने कहा था कि इमरान खान ने खुद की है महंगाई, आज जब महंगाई हो गई है तो किसने की है महंगाई? और भाई मरियम कहती थी जब 2 रुपए या 3 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर की वजह से महंगा होता है। अब जो इतना महंगा हुआ है, मुझे बताएं कि ये कौन वजीर आजम है? और शबाज शरीफ वजीर आजम है, हमजा वजीर आला है, और इसको हमजा को मेरी बात से शर्म वाली बात है, वजीर आला कहना भी शर्म वाली बात है। इन्होंने तो आइन के ऊपर डाका मारा है, इन्होंने गरीब आवाम की जेब के ऊपर डाका मारा है, पेट्रोल बढ़ाया है। अब वजीर आजम चोर नहीं है, अब वजीर आजम चोर भी है, भतीजी भी चोर है, भतीजा भी चोर है, भाई भी चोर है, इसहाकदार भी चोर है। ये जो इनके इर्द गिर्द लट्टू बैठे हुए ना, लट्टू घूमने वाले जो जबान चलाते हैं, सारा दिन इमरान खान साहब के खिलाफ भौंकते हैं। मरियम औरंगजेब को देख ले, इसकी माँ क्या थी, इसके बाप का आज तो आपको पता है, कोई इसके बाप का इलाम नहीं है किसी को। और जो हिना परवेज भट्ट है, सारा दिन ये ट्विटर खेलते हैं, कभी अवाम में आके देखे ना, मुझे बताएं जो उज़्मा बुखारी है, और इनको तो जवाब नहीं देने वाला कोई, हमारे जैसा कोई आम बंदा इमरान खान साहब के लिए नुमाइंदगी करे ना, तर्जमानी करे, तो इनका मुंह तोड़ दे। इन लोगों के अंदर तो शर्म नहीं है, ये कहां कहां से उठकर आए हैं। ख्वाजा खुसरा को देख ले, वो क्या बकवास करता था, ये तो खवातीन की इज्जत की बात करते। इमरान खान ने तो इनको समझाया था कि मरियम आप इस तरह करके मेरा नाम ना लिया करें, ये हर जगह भी इमरान खान फोबी हो गया इसको, ये इमरान खान का अल्लाह माफी, जब मरेगी ना इसके मुंह में इमरान खान का नाम होगा, इमरान खान। मैंने तो नहीं कहा था कि वजीर आजम करप्ट है, मैंने तो नहीं कहा था कि सरदारी को मैं सड़कों में घसीटूंगा, मैंने तो नहीं कहा था कि राणा सराला कातिल है। अब शेर अली के बाप ने कहा था, शेर अली ने, कि ये चोर है, ये डाकू है, ये मंशियाल फरोशी है। और मुझे बताओ ये किसको वजीर दाखिला हम पे मुसलत कर दिया है, जो चोर डाकू है। एक बंदे आम पाकिस्तानी के ऊपर एक भी FIR होना तो भाई उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इन खबीसों को वजीर आजम बना दिया, वजीर आला बना दिया। हमें बताएं कि हम पाकिस्तानी इस चीज़ के हकदार नहीं हैं, हम किसी अहदे पर नहीं बैठ सकते, हमें किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, इतनी शर्म वाली बात है। मैं अपनी आज आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट को और अपने जर्नैल साहब को और अपने जो हमारी जो हमारे जो न्यूट्रल हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं, उनसे गुजारिश है, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते खुदारा पाकिस्तान के साथ ना खेले। ये इमरान खान साहब का बयान कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने कि तीन टुकड़े हो जाएंगे, और भाई ये तो इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया है। मुझे बताएं बलोचिस्तान का कौन कहता था, अली वजीर कहता था, बिलावल क्या कहता था, हम सिंध को लहदा कर देंगे, ये कहते थे हम पंजाब के। और भाई खुदा का वास्ता इमरान खान तो इनको समझाता है, जो इमरान खान की जहाँ पे जाके सोच इनकी खत्म होती है ना, इमरान खान वहाँ से सोचता है उस बंदे के ऊपर, अगर इन्होंने करप्शन का 1 रुपया नहीं जो है वो बरामद कर सके, कभी फराक होगी आ जाती है, कभी तोशा खाना आ जाता है, कभी फलानी आ जाता है, कभी फलाना आ जाता है, 1 रुपया नहीं बरामद कर सके। झूठे इल्जाम मैं भी आप पे लगा दूंगा, और भाई को बरामद करूंगा तो मैं आपको कहूँगा ना, खुदा के वास्ते पाकिस्तान की इज्जत के साथ ना खेले। जब पाकिस्तान की धरती कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की है, 1948 की जंग, 1965 की जंग, 1971 की जंग, जब ख्वाजा खुसरा बकवास करता था कि अभी फौज ने हारी है, तब फौज कहाँ थी? ये जब मरियम बकवास करती थी कि फौज जो है ना न्यूट्रल नहीं है, फौज हमारे ये है, फौज लाने वाली है, तब ये कहाँ थे? जब ये जनरल बाजवा का बार बार नाम लेता था नवाज शरीफ, तब कहाँ थी फौज? आज फौज इमरान खान के बयान नजर आ जाते हैं। वो खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पाकिस्तान की मट्टी के साथ प्यार करो, इन शहीदों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों के साथ तुम खड़े लड़ कर रहे हो,
पाकिस्तान के पेट्रोल हमला देखा था अपने इमरान खान के दौर में हुआ, कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने कहा मैं गुलामी किसी के नहीं करूंगा, मैं दोस्ती सबके साथ करूंगा, दोस्ती मैं भी चाहता हूं आपके साथ, मैं आपका गुलाम नहीं बनूंगा। मुझे बताएं यहां पे जो जो लोग आए हैं क्या ये खरीद के लाए गए हैं, इनकी जेबों में हजार हजार रुपये डाल के दिया गया? नहीं, ये इमरान खान की मोहब्बत, पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान की सरजमीन माँ के साथ मोहब्बत के लिए आए हैं। मैं ये भी एक आम पाकिस्तानी होकर होने के नाते यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं जब तक मेरे खून में आखिरी कतरे है मैं पाकिस्तान और इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा और मैं इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मांगता, नहीं मांगता। मुझे बताइएगा जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई की जा रही है और पेट्रोल जो है वो भी 60 रुपये एक हफ्ते के अंदर लीटर बढ़ा दिया गया, घी की कीमतें बढ़ा दी गई, हर चीज़ की कीमत बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये पहले यही इल्ज़ाम लगा रहे थे इमरान खान के ऊपर कि वो इस तरह क्यों करे, वो चोर है, ये है, फला है, मतलब है वो इस चीज़ का अहल नहीं था हुकूमत का। अब यही काम ये खुद जो कर रहे तो क्या जवाब है इसके पास? मुझे आप जवाब दे, क्या है जवाब? कोई है? यही काम जब इमरान खान कर रहा था तो वो बुरा था, आप यही काम ये कर रहे तो इसके लिए क्या है जवाब है? फिर इसका मतलब है उन्होंने पहले से मुल्क बेच चुका था, वो कोशिश कर रहा था, उनको उन्होंने गिरा दिया। अब 8 महीने के लिए आए, आपने केसेस ख़त्म वगैरह करके ना आपने स्विमिंग पूल पे 1 करोड़ रुपये लगाया, क्या एक तरफ से कह रहे जेर के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से आ गए? वो मियांवर शरीफ ने भेजे, आप बताएं ना, आप भी पाकिस्तान का शहरी है ना, आप भी आवाम में है ना, कोई फरिश्ता तो नहीं है, कोई जवाब है तो दे। सर मुझे बताइएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इकतदार में जब आए तो कहा था कि मैं अपनी कमीज भी बेच दूंगा, सिर्फ कपड़े बेच दूंगा और पाकिस्तान की पे महंगाई जो है वो कम करूंगा, क्या समझते हैं जिस तरह आज महंगाई हो गई है कपड़े बेचने के लिए तैयार है शहबाज शरीफ साहब? उसके कपड़े लेने किसने? मुझे देखे मैं तो 10 रुपये पे भी नहीं लूँगा। एक इमरान खान का अगर कह देता तो चलो उनका एक कमीज एक बच्चे का उसने ऑटोग्राफ दिया तो वो 1 करोड़ रुपये उसकी कीमत लग रही है। इनका तो किसी ने कपड़े किया उसने तो कच्चा किसी ने नहीं खरीदना, कोई खरीदेगा? मैं तो 10 रुपये भी नहीं खरीदूंगा। क्या मैसेज है आखिर में इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए? वो पेट्रोल हुकूमत ना मंजूर, यही मैसेज है, उतर जाए आवाम में, उनको आवाम में आए, आवाम को डिसीजन उसको राइट दे दे कि आवाम जिसको पसंद करे वही आ जाए, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं मंजूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त लिबर्टी चौक पे मौजूद हूँ और ये भाई मेरे साथ मौजूद है, प्ले कार्ड उठा रखा है पाकिस्तान को बचाओ फौरी इलेक्शन करवाओ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस मकसद के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा पाकिस्तान को बचाओ फौरी इलेक्शन करवाओ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे ऊपर गद्दार मुसल्लत किए गए हैं ना, हमको इनको नहीं मानते, इनको हटाना चाहिए। गद्दारों के साथ हम मुल्क आगे नहीं लेके जा सकते, ये गद्दार हैं, गद्दार हैं ये, गद्दार। ये जो प्ले कार्ड आपने उठा रखा है क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारा मुल्क साफ सुथरा है, इसको साफ सुथरा रहने दें, गद्दारों से हमारी जान छुड़वाएं, फौरी इलेक्शन करवाएं।